उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं आज पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की पुण्यतिथि में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है क्या कहना चाहेंगे आज जो है राष्ट्र गौरव दिवस के रूप में हम सबके नेता और हिंदू हृदय सम्राट माननीय कल्याण सिंह जी बाबूजी की आज जो है पुण्यतिथि है उत्तर प्रदेश पूरा देश उनको आज जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी सरकार को और बलिदान किया राम लला के मंदिर बनाने के लिए और अपने आप को भी जेल जाने का भी काम किए राम लला के लिए आज उनकी जो है पुण्यतिथि है हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं पूरा देश उनको आज नमन कर रहा है भाजपा सदस्यता अभियान की कल कार्यशाला हुई और लक्ष्य दिया गया है लोगों को जोड़ने के लिए इसको आप किस तरीके से देखते हैं देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक अपना एक व्यवस्था है कि हर छः वर्ष के बाद नई सदस्यता बनती है और छः वर्ष के बाद पार्टी की नई सदस्यता हो रही है भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा पूरे देश में नहीं दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बनकर के उभरा है बीस करोड़ से ज़्यादा इसके सदस्य संख्या है और आज हमारे जो नेता माननीय मोदी जी हैं जिनका केवल इस देश में नहीं पूरे दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं और पार्टी को विस्तार करने के लिए पार्टी के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इस बार दस करोड़ अतिरिक्त सदस्य तीस करोड़ सदस्य बनाने की हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा है और उसी का कार्यशाला कल उत्तर प्रदेश के थी पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सभी विधायक सांसद सभी लोग उपस्थित थे सबके जो है उसके लिए तय किया गया है सीमा कि सांसद कितने सदस्य बनाएंगे विधायक कितने बनाएंगे जिला अध्यक्ष कितने बनाएंगे हमारे पार्टी के मंडल अध्यक्ष कितने बनाएंगे और बूथ अध्यक्ष का भी है, है कि एक बूथ पर कम से कम 200 सदस्य नए बना करके इस विचारधारा को आगे बढ़ाना है और दो में भारत को भी सुगुरु बनाना है राहुल गांधी कल रायबरेली पहुंचे पासी समाज के समर्थन के लिए कांग्रेस का फोकस पासी समाज पे बहुत है वहीं अयोध्या में भी घटनाएं हुई कन्नौज में भी घटनाएं हुई कलकत्ता में भी हिंदुओं को मारा जा रहा उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं वो देखिए राहुल गांधी का फोकस केवल अपने परिवार पर है वो किसी पर नहीं है वो वो जो, वो केवल अपने लिए ये लोग राजनीति करते हैं इनको देश और समाज के लिए कोई चिंता होती तो आज पचहत्तर वर्षों में देश का ये हालत नहीं होता मोदी जी जब से आए हैं तब से देश को गौरव को बढ़ा रहे हैं मान सम्मान बढ़ा रहे हैं और गरीब की भी चिंता कर रहे हैं आज गरीब के घर में भी आज गैस कनेक्शन है गर, गरीब के घर में भी आज जो है शौचालय है गरीब को भी मकान मिल रहा है ये लोग सबसे ज्यादा देश पर शासन किए और उस समय गैस कनेक्शन लेने के लिए घुस देने पड़ते थे सिलेंडर लेने के लिए ब्लैक में खरीदने पड़ते थे तो ये गरीबों की चिंता क्या करेंगे मोदी जी कर रहे हैं सवाल ले लीजिए विपक्ष आपको लगता है कि अभी भी सर आरक्षण के मुद्दे पर लोगों को भड़का रहा है विपक्ष ए, मैं, 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 चुनाव में लोगों को भ्रम की स्थिति में डाला कि मोदी जी 400 सौ सीट पा जाएंगे तो आरक्षण बदल देंगे संविधान चेंज कर देंगे ये एक बार इनको सफलता मिल गई चौदह में सत्रह में उन्नीस में बाईस में लगातार भारतीय जनता पार्टी जीती मोदी जी और जोगी जी जीते और फिर उपचुनाव में भी हम जीते तो शुक्रिया बात करने के लिए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हमारे साथ मौजूद थे लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर भारत समाचार